हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो फिरिश्ता मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है गाइस। तो आज मैंने भजन नहीं सुनाया, इस बात पे आप कमेंट करना। आपको भजन अच्छा लगता है तो मैं सुनाऊंगी, नहीं अच्छा लगता तो स्किप कर देंगे। तो ये देखो गाइस, ये है चुलाई और मैं बनाऊंगी चुलाई का रायता। चुलाई होती है ना, ग्रीन वेजी है, पालक होगी, चौलाई होगी, बथुआ हो गया। तो ये खाने में बहुत अच्छी रहती है गाइस, कैल्शियम, आयरन, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। तो आज इसका मैं बनाऊंगी रायता। तो चलिए इसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। पूजा पाठ मेरी हो गई है और लाला को दूध वगैरह भी पिला दिया है। अब लंच की करेंगे तैयारी। तो ये देखिए गाइस, इसको हम ऐसे साफ़ कर लेंगे, साफ कर लेती हूँ फटाफट। और इसका रायता है ना, इतना टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बनाऊंगी दही में, हरी सब्जी खानी भी चाहिए हमें। ये देखो गाइस, मैंने सारी साफ़ कर ली, वैसे तो साफ ही थी, फिर ये थोड़े से मोटे मोटे होते हैं ना, इसलिए डंठल से ये निकालने होते हैं हमें, ये नहीं डालते, रायता टेस्टी नहीं बनेगा। कच्चे कच्चे इसके लिए फिर है ना, ये डाल देंगे पत्तियाँ। ये देखो, अब हम इसको कट कर लेंगे, ज़्यादा बारीक तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसको बॉयल करना है। बॉयल करके फिर इसको मथ के अच्छे से फिर बनाएंगे हम इसका रायता। दिखाऊंगी मैं आपको पूरा प्रोसेस इसका, कैसे बनता है रायता। ज़्यादा बारीक नहीं काटूंगी, बस मोटी मोटी सी रखूंगी इसको। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, हमें पता तो चलना चाहिए आपको वीडियो पसंद आ भी रही है कि नहीं आ रही है। आपका एक लाइक करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, मोटिवेट होते भी हमने और वीडियो बनाने का भी मन करता है भी, हाँ बनाए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कितने सारा काम होता है। ये देखो गाइस, कट गई है, ये देखो अब बनाएंगे इसको, बॉयल करेंगे। ये निकालती है मैंने डंठल, ये मैं गाय वगैरह को डाल दूँ, गाय को जैसे हरी सब्जी वगैरह होती है ना, इसको अच्छे से वॉश करूंगी। मिट्टी वगैरह है तो नहीं इसमें, फिर भी वो ही है ना, वॉश तो करना जरूरी है भाई, मिट्टी हो या ना हो। सब्जी खा खा के भी मन भर जाता है, कभी रायता कढ़ी वगैरह भी खानी चाहिए, हमें तो बहुत पसंद है भाई रायता वगैरह। ये देखो गाइस, मैंने कुकर में डाल लिए, दो या तीन सीटी मरवाएंगे बस, उसी में इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। एक गिलास पानी, थोड़ा सा डालूंगी मैं, आप गिलास के करीब, और फिर करें हम इसको बॉयल। ये देखो मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। चलिए अब इसको बॉईल कर लेते हैं भाई चौलाई को। ये देखो गाइस, मैंने इसमें 4 केले लिए बनाना, और बच्चे उठे हैं लेट, आप सबको पता ही है छुट्टियां है बच्चों की, तो लेट तक उठते हैं बच्चे। अब मैं उनको दूंगी बनाना शेक, तो बनाना शेक मैं बना रही हूँ। केले मैंने इसमें डाल दिए छील के, मैं डालूंगी चीनी, इसी में डाल दूंगी मैं काजू, ठीक है। और मैं दूध डाल दूंगी इसमें, दूध दूध हम यहाँ तक ही रखेंगे बस, नहीं तो फिर इसको मैं चलाऊंगी तो ऊपर तक फेंक देगी। और मैं नहीं डालूंगी, इतना ही डालूंगी जो इतना है इसमें पतीले में। चलिए बना ले। ये देखो गाइस, बन गया है मेरा बनाना शेक।
अब डाल देते भाई। ये मैं थोड़ी चेरी डालूंगी, बच्चों को बड़ा पसंद है भाई चेरी फ्लेवर, खासकर मेरे बेटे को और हस्बैंड को। बेटी तो इतना नहीं खाती, ये भी खा लेती है। तो चलिए अभी बच्चों को दे देते हैं बनाना शेक, थोड़ी एनर्जी। ये देखिए गाइस, जो लाई थी हमारी बॉयल हो गई है, और ये देखो बिल्कुल थोड़ी सी होगी लेकिन काम चल जाएगा, इतनी भी कम नहीं है। तो इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, आप अगर चाहे तो इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन मिक्सी में पीसने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगी, मैंने इसको हाथों की मदद से ही ऐसे ही मैश कर लिया है। और जो ये पानी है ना, ये मैंने पानी डाला था आरओ का, आप इस पानी को फेंकिए मत बिल्कुल भी। इसमें हम आटा गूंथ लेंगे, आटा गूंथने में काम ले लेंगे इसको पानी को। तो मैंने यहाँ पे, आप जितनी मिर्ची खाते हो कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने पीसी है 5 मिर्ची हरी वाली, और बस उसमें और नहीं डाला मैंने कुछ भी, खाली मिर्ची मिर्ची पीसी है। लहसुन प्याज हम खाते नहीं, मैंने पीछे व्लॉग में बताया होगा। तो चलिए गाइस हम इसको कर लेते हैं मिक्स। पहले मैं बनाती हूँ दही, तो ये देखिए दही डालेंगे इसमें। ये दही मैंने शाम को जमाई थी, फ्रेश दही है। तो चलिए दही डाल लेते हैं। इसको हम घोटने से घोट लेंगे। आज लगाएंगे लाला को चलाई की रायते से भोग, इसकी मन पसंद होती है गाय से, सब पता चल जाता है। मैं आज इसको क्या खाना का है क्या नहीं खाना है, वो बताने वाला ही भी यही है। तो मैंने इसको कर लिया है अच्छे से, देखो घोटने से घोट लिया दही को। अब ये जो है चौलाई में इसमें छोड़ दूंगी, ये देखो छोड़ दी मैंने, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। तो चलिए मैं अभी पानी लेके आती हूँ, डालो। ये देखो दही ज़्यादा गाढ़ा था ना, तो इसमें मैंने पानी डाल दिया है। तो इससे हम फिर से घोट लेंगे इसको, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, और फिर देखना कितना अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा होता है, खाने में भी टेस्टी होता है, वैसे भी हेल्दी है, ग्रीन वेजी भाई हेल्दी होती है, हमें खानी भी चाहिए। ये देखो, ये देखो गाइस, मैं लगाऊंगी देसी घी का इसमें छोका, स्पून छोटी सी ली है मैंने, थोड़ा गैस को सिम कर देंगे, घी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये देखो गाइस घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम छोड़ देंगे इसमें जीरा, जीरे को पकाएंगे अच्छे से, पक जाएंगे ना तब इसको हम छोका लगाएंगे रायते में। ये देखो गाइस जीरा हमारा पक गया है, देसी घी का छोका लगाएंगे। और सॉरी इसमें मैंने नमक डाल दिया था, पहले से बताया नहीं आपको, तो नमक और हरी मिर्ची डाली है और कुछ नहीं डालेंगे हम, लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, और नमक डाला मैंने सांदा, फिर लाला को भोग लगेगा। तो चलिए छोका लगा देते हैं। देखिए एकदम देसी स्टाइल में बनाया है मैंने चौलाई का रायता, ये देखो गाइस सारी चीज देसी है भाई, इसमें घर की दही है, घर का देसी घी है भैंस का, तो फिर और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए गाइस मैं बना देती हूँ फटाफट रोटी, फिर लाला को भोग लगाएंगे। तो इसको कर देते हैं, हम ढक देते हैं। ये मैं बनाऊंगी चपाती।
तो ये देखिए गाइस, मेरा खाना बन गया है। रायता मैंने आपको दिखा दिया था, ये मैंने शक्कर भिगो के रखी है, और ये चपाती है, ये घर का बना हुआ अचार है गाइस, टीट का अचार। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं डाल रखी कि हम लला को भोग नहीं लगा सकते। सौंफ वगैरह है, तो बस ज्यादातर ये नमक वगैरह होते ही है मसाले इसमें, तो घर में बना हुआ अचार है ये। अब मैं लगाऊंगी लाला को भोग। तो चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर भी कर लेना। और आज का व्लॉग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।